Hey guys, welcome back to my channel. आज हम लोग सोनाक्षी सिन्हा का रिसेप्शन लुक रिक्रिएट करने वाले हैं. So let's get started with the video. As always, first step is for skin prep. Face prep करने के लिए मैं use कर रही हूँ Vitamin Erase Base by Bobbi Brown. और ये काफ़ी अच्छा बेस को हाइड्रेट करता है. थोड़ा सा अपने हाँ पाम में लेके उसे हम लोग वॉर्म करके डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी. अगर डे फंक्शन होगा तो हम लोग सनस्क्रीन भी अप्लाई करेंगे, बट रात का फंक्शन होगा तो हम लोग सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करेंगे. नेक्स्ट स्टेप, लिप बाम. लिप बाम को अच्छे से लगा के हम लोग मेकअप करेंगे तब तक हम लोग का लिप्स रेप हो जाएगा. एज यू गाइज कैन सी, मेरे फेस पे ढेर सारे करेक्शन की जरूरत है. लाइक मुझे ढेर सारे पिंपल हो रखे हैं, तो पहले उससे पहले हम लोग यूज़ करेंगे पोर प्राइमर इनसाइड का ऑयल फ्री, तो जो हम मेरे फेस पे टेक्सचर है वो रिमूव हो जाएगा. थोड़ा सा सिलिकॉन बेस प्राइमर लिए हैं कि अच्छा सा कैनवास बन जाए मेरे फेस पे. उसे भी अपने फिंगर में वॉर्म करेंगे और डैप डैप करके जिधर भी मुझे टेक्सचर है उधर उधर अप्लाई कर देंगे, तो फेस स्मूद हो जाएगा. और सोनाक्षी के फेस पे कोई भी पिंपल या कुछ नहीं है. पहले हम लोग अपना कलर करेक्शन करेंगे. कलर करेक्शन के लिए मैं मार्स का कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ. और मुझे सारे कलर करेक्शन में रेड ज़्यादा हो रखे हैं मेरे फेस पे रेडनेस, तो मैं ग्रीन यूज़ करूँगी कलर करेक्शन के लिए. और उसको हल्के हाथों से डैब डैब करके अप्लाई कर दूँगी. एक्सेस भी नहीं लगाना है तो भी ग्रे पड़ जाएगा, थोड़ा भी लगाएंगे और ब्लेंड कर देंगे अच्छे से तो भी ग्रे पड़ जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग उसको अप्लाई करेंगे. लाइक इतना परफेक्ट है ये मेरे उसको हाइड कर देगा. थोड़ा सा ही लेना है फर्स्ट टाइम में, ढेर सारा लेके अप्लाई नहीं कर देना है. मेरे फोरहेड डार्क है तो मुझे उस पर डार्कर कंसीलर पहले लगा के ऑल ओवर द फोरहेड, जहाँ पे मुझे हल्का डार्कनेस है तो वहाँ पे मैं डार्कर कंसीलर अपने स्किन टोन से लगा के फिर उसे लाइटर कंसीलर लगाएंगे या बेस लगाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा. इधर भी मुझे रेडनेस है. अभी मेरे सारे रेडनेस कवर हो गए हैं ग्रीन से. अब उसको मैं न्यूट्रलाइज करूँगी अपने स्किन टोन से, दो टोन डार्कर कंसीलर से. साथ ही साथ मैं उसे ब्लेंड भी कर दे रही हूँ उसी में. ऐसे आपको समझ में आएगा कि मैं प्रॉपर ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा ही प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं. फिर भी ये विजिबल है, एकदम प्रॉपर नहीं गया बट मेरे स्किन टोन में आ गया है. वो जा नहीं सकता, वो जो मेरे फेस पे पिंपल है वो कभी भी गायब नहीं होंगे. कितना भी मैं कुछ भी अप्लाई कर लूँ वो सिर्फ स्किन केयर से ही जाएंगे, मेकअप उसे हटा नहीं सकता टेक्सचर को. बस उसका कलर डाउन कर दिया है कि ज़्यादा पॉप ना करे. मुझे प्रॉपर डार्क सर्कल नहीं है तो मैं पीच शेड यूज़ करूँगी अपने डार्क अंडर आइज के लिए. लाइक ये इससे पॉप हो जाएगा मेरे आइज के जो भी डार्कनेस है वो हट जाएंगे और थोड़े ब्राइटर हो जाएगा मेरे अंडर आई एरिया. सेम सेकेंड आइज पे भी करेंगे
और ये काफ़ी पिगमेंटेड पैलेट है, तो थोड़ा ही थोड़ा प्रोडक्ट यूज़ करना है। एक बार में ढेर सारा नहीं लगाइएगा तो ब्लेंड नहीं हो पाएगा और आपका बेस केकी होने का चांस रहेगा। यहाँ पे अराउंड माउथ भी मुझे लगाना है, तो सेम पीस शेड ही लगा ले रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा डिस्कलरेशन नहीं है वहाँ पे। अब जब मैं बेस लगाऊंगी तो मेरे डिस्कलरेशन हट चुके होंगे। उनके फेस पे नेचुरल ग्लो है तो मैं फाउंडेशन के साथ इल्यूमिनेटर मिक्स करके अप्लाई करने वाली हूँ। तो फाउंडेशन मैं मिलानी का यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ एक पम्प, उससे ज़्यादा नहीं। मिक्स का लिक्विड इल्यूमिनेटर यूज़ करूँगी, सिर्फ थोड़ा सा। As you guys can see, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं अपने फिंगर से ही मिक्स कर रही हूँ। अब ब्लेंड करना स्टार्ट करते हैं, पहले जो प्रोडक्ट लगाया उसको ब्लेंड कर लेते हैं। इस फाउंडेशन का कवरेज काफ़ी अच्छा है और फाउंडेशन ब्रश को अच्छे से कोट करने के बाद ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये नहीं कि एक जगह लगा हुआ है एक जगह नहीं लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ब्लेंड करने में ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ब्लेंड होगा। सोनाक्षी का बेस प्रॉपर क्लियर है और फुल कवरेज फाउंडेशन यूज हुआ है उनके बेस पे। और अंडर आई हम लोग फाउंडेशन नहीं लगाते हैं क्योंकि उसके ऊपर लेयर पे लेयर करेंगे तो क्रीज आ जाएंगे अंडर आईज, अपने अंडर आईज, आई लैस पे। समर का सीज़न है तो ज़्यादा से ज़्यादा पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। मैं ब्लश भी पाउडर यूज़ करने वाली हूँ, तो पहले आप लिक्विड यूज़ करिए देन पाउडर यूज़ करने स्टार्ट करिए। तो अभी मुझे कंसीलिंग करना है अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए, तो उसके लिए मैं लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ। तो पहले वो करूँगी फिर पाउडर से अपना बेस सेट करूँगी। और मैं अपने फेस हाईलाइट करने के लिए कंसीलर स्विस ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ और इसमें थोड़ा भी लगाएंगे तो एक्स्ट्रा ही लगता है, तो मैं सिर्फ थोड़ा ले रही हूँ, लिटरली थोड़ा। अपने हाई पॉइंट्स पे यूज़ की और थोड़ा मैं कंटूरिंग के लिए भी यूज़ करती हूँ इसको, लाइक दिस। अगर आप कंटूर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो अब इसको ब्लेंड करेंगे। तो मैं स्टार्ट फोरहेड से कर रही हूँ, सर्कुलर मोशन में हल्के हाथ से। पॉइंट पे हम लोग पाउडर सेटिंग कर लेंगे और समर सीजन है तो पाउडर सेटिंग हम लोग ऑल ओवर द फेस करने वाले हैं। लूज पाउडर लिए थोड़ा सा स्वर्ल करेंगे अपने पाउडर ब्रश को, ये स्मॉलर पाउडर ब्रश है। ब्लश एरिया छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ पे पाउडर ब्लश यूज करने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा ही लेना है, पहले एक साथ ढेर सारा पाउडर भी नहीं लेना है। सोनाक्षी का ब्लश एकदम न्यूट्रल टोन में था, लाइक कोरल टोन में उनका ब्लश था, उनका लिप्स था, उनका आईज भी कोरल ब्राउन में ही था। तो हम लोग सेम वैसे ही करने वाले हैं। तो मेरे पास
मैची मैची है प्लस, तो ये अप्लाई करेंगे लाइक शिजल अप करने के लिए अपने चीक्स, वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे उनके हैं। अब उसको ब्लेंड करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हटा के फिर से ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा नोज पे, थोड़ा सा चिन पे। इस पॉइंट पे हम लोग मैट रे पेन प्राइम यूज कर लेंगे सारे पाउडर मेल्ट करने के लिए। 90% ड्राई हो जाएगा तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा हाईलाइटर यूज़ करेंगे। इसी पॉइंट पे हम लोग हाईलाइटर यूज़ करने वाले हैं, तो हाईलाइटर के लिए मैं बॉबी ब्राउन यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ थोड़ा थोड़ा हाईलाइटर लगा रही हूँ मैं, बिकॉज उनका हाईलाइटर इतना विजिबल नहीं है। अब उसके बाद मैं एक बार फिर से अर्बन ऑल लाइटर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ कि हम लोग का मेकअप बेस फिक्स हो जाए। तो और ये आपके मेकअप को हिलने नहीं देता है। ब्राउ सेट कर लेते हैं। ब्राउ सेट करने के लिए मैं मिस क्लेयर का पाउडर ब्राउ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक और ब्राउन मिक्स करके मेरे आईब्राउ का शेड बनता है, तो उसको बना के पहले पीछे वाले ब्राउज को फिल करेंगे, उसके बाद आगे फिल करेंगे, सेम दूसरी साइड भी करेंगे। अब आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप के लिए आई बेस प्रिपेयर कर लेते हैं। और उनका आई मेकअप बहुत सिंपल था, बिना ग्लिटर बिना पिगमेंट कोई भी चीज़ उन्होंने अप्लाई नहीं किया, तो हम लोग भी वैसा ही सेम करेंगे। कंसीलर लगा के अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। को भी पाउडर से सेट करेंगे। उनका आई मेकअप बहुत सिंपल था, एक ब्राउन शैडो के साथ वो उनका पूरा आई मेकअप था और कोल काजल था। तो हम लोग ये सेम आई मेकअप करेंगे कि लाइटेस्ट कलर लेंगे, उसे ऑल ओवर द लिड स्प्रेड कर देंगे। जैसे जैसे करेंगे वैसे सेकेंड आइज पे करते जाएंगे साथ ही साथ। छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे जिससे अपने आई के आउटर एजेस को डिफाइन कर देंगे ऐसा। और ब्लेंड कर देंगे। उससे थोड़ा लाइटर शेड लेंगे लाइक ये, उसको अच्छे से अंधे के साइड ब्लेंड कर देंगे। कूल पेंसिल लेंगे, क्रिसमस लाइन बनाएंगे इसी से। अब लोअर लैश लाइन में भी हम लोग कोल पेंसिल यूज कर देंगे।
उसको स्मच कर देंगे पहले। सेम जो भी कलर थी उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, सेम ये यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे, ये डार्कर शेड लेंगे और अच्छे से उससे लाइटर लेंगे। उससे भी लाइटर लेंगे। हम लोग अपने आईज को हाईलाइट करेंगे। ब्राउ बोन भी हाईलाइट करेंगे इसी से। मैं लिप लाइन कर रही हूँ मास्क लिप लाइनर से इन द शेड न्यूड्स पेन, और मैं लिपस्टिक यूज कर रही हूँ क्रॉस ब्यूटी का ड्रामा मामा। इस पे एक और लिपस्टिक मैं टॉप करूंगी, लिप शेड है प्लम का पापाया, तो परफेक्ट लिप शेड बन जाना चाहिए। थोड़ा ही लगाना है या। दिस इज द एक्चुअल शेड जो वो लगा के रखी है। अब मैं प्रॉपर गेटअप में आती हूँ। सो मास्कारा मैं ऑफ कैमरा ही लगा ली थी। दिस इज माय फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और आप आगे कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।